यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hey friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो अब तक हमने देखा था कि how we can find the solution of non-homogeneous Fredholm integral equation of second kind. इसको solve out करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods थे। पहला method हमने देखा कि Adomian decomposition method क्या होता है, और उसके अंदर हमने दो सब part देखे, जो पहला था modified Adomian decomposition method और दूसरा देखा था noise term phenomena क्या होता है, और इन सब methods की मदद से हम कैसे find कर सकते हैं solution of non-homogeneous Fredholm integral equation of second kind. Direct computation method भी देखा था और successive approximation method भी देखा था, बट ये जितने भी method है ये सब क्या हमें देते हैं, इनकी method की मदद से हम find कर सकते हैं solution of non-homogeneous Fredholm integral equation of second kind. Non-homogeneous के लिए हम देख रहे थे, ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन जो कि सेकंड काइंड का रहेगा, उस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन का हम फाइंड करने वाले हैं सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब क्या होता है, इन सब टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आज यहां पे हम देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल की तरफ। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। तो गाइस आप जानते हो ये हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ ऑफ एक्स टर्म जीरो हो जाए तो हमारा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगा होमोजीनियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक गिवन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, हमें इसका फाइंड करना है सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन का इसका एक वे है, एक मेथड है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, ये इस डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड भी कहा जाता है। Make sure that कि आपने वो वीडियो जरूर देखा हो ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और इसको स्ट्रेटेजी जान पाएंगे कि हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे आइजन वैल्यूज, और उस आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग में हम फाइंड करेंगे आइजन फंक्शन। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, जो भी हमारा अंदर ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इस इंटीग्रेशन के अंदर जो भी एक्स टर्म है उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो इस इंटीग्रेशन जो भी है ये डिफरेंट इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस एक्स को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, दैट इज लैम्डा, एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू वन यू ऑफ टी डी टी बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस तरह हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में किया था ऑन द सेम वे हम यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार x का टर्म सारा बाहर आ जाए और उस इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ फंक्शन ऑफ t बचे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वही बचना चाहिए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यू ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा लैम्डा एक्स टाइम्स अल्फा, वेयर अल्फा इज, अल्फा क्या है, मैंने आपको बताया कि ये इंटीग्रेशन का पूरा टर्म अल्फा है, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन यू ऑफ टी डी टी। अब हम इस टर्म को कंसिडर करेंगे, अब यहाँ देख सकते हो यू ऑफ टी लग रहा है बट हमारे पास यू ऑफ एक्स है, तो जहाँ यहाँ यू ऑफ एक्स है एक्स की जगह पे टी से रिप्लेस कर देंगे, हमें मिल जाएगा यू ऑफ टी, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन यू ऑफ टी चाहिए, दैट इज लैम्डा टी टाइम्स अल्फा डी टी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो जो जो कांस्टेंट उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन टी टाइम्स डी टी। सिंपली इसको इंटीग्रेट हम कर लेंगे, हमें मिल जाएगा लैम्डा अल्फा टी स्क्वायर बाय टू होल टर्म रेंजेस फ्रॉम जीरो टू वन। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व आउट कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा लैम्डा अल्फा, जब हम इसका वन पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वन स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो, दैट इज ओनली वन बाय टू, और यहाँ पर मिल जाएगा अल्फा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कह दूंगा। और हाँ, जहाँ पे हमने इसको अल्फा से रिप्लेस किया था इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर वन, और ये जो भी इक्वेशन मिला इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर टू। यहाँ से हम लैम्डा फाइंड करेंगे और उस लैम्डा को कहते हैं हम आइजन वैल्यूज ऑफ कर्नल। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लैम्डा फाइंड करेंगे, तो अल्फा अल्फा देख लो आप कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिंपली मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू टू, क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू टू, तो ये जो अल्फा सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू टू मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये लैम्डा इक्वल्स टू टू आ गया, इसका मतलब क्या, ये जो लैम्डा है इट इज़ अ आइजन वैल्यूज ऑफ
कर्नल, तो हमें आइजन वैल्यूज मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लैम्बडा को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, और यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स अल्फ़ा रे 1/2। ये हमारे पास अभी हमने लैम्बडा की वैल्यू निकाली जो कि है 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फ़ा 1/2। 2 गेट कैंसल, हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा। मतलब क्या, अल्फ़ा की वैल्यू कोई भी एक अल्फ़ा हो सकती है, मतलब अल्फ़ा इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, जहाँ से हमें मिल गया। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, इस लैम्बडा की कॉरस्पॉन्डिंग में आइजन फंक्शन क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब वक्त आ गया इसका सोल्यूशन देने का, तो उसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप देख सकते हो हमारे पास जो कि वन इक्वेशन नंबर 1 में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमें लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है, बट लैम्बडा इज 2, अभी फाइंड किया, इन टू एक्स इंटू अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू अल्फ़ा। तो आप देख सकते हो वेयर अल्फ़ा इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, सो हम यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन बन जाएगा, हमारे होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का ये सोल्यूशन बन जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है, हर एक होमोजीनियस के पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, हर एक उसके लिए सोल्यूशन बनेगा, वो जो कि सोल्यूशन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको u ऑफ x से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दूंगा u ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये क्या है आपका, ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। आप बोलेंगे ये सोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ देखो, इस u ऑफ x में u ऑफ t की जगह पे 0 पुट कर दोगे, पूरा इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा, और यहाँ पे u ऑफ x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब RHS साइड और LHS साइड दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसे में हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन, या फिर कोई भी होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ले लो ऑफ सेकंड काइंड, उसके लिए एक ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर होगा, जो कि है यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब वो सॉल्यूशन है या नहीं है ये चेक करना आपको मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ नोट करने वाली बात ये थी कि एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो बढ़ते एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको ये मेथड और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो आप ये देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि एक होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। इसका हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस सॉल्यूशन, ये जो फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, जो कि है ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसे हम डिनोट करते हैं यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हमेशा सॉल्यूशन बनेगा, इस ऑलवेज इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एनी होमोजीनियस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये ऑलवेज होने वाला है, तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया कंप्यूटेशन मेथड जैसा यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो भी इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का टर्म है उसको पहले बाहर निकालेंगे। देखने की बात यहाँ पर यह है कि इस इंटीग्रेशन में अंदर एक्स का टर्म है ही नहीं, एक्स वेरिएबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म नहीं है तो अच्छी बात है, जो भी अंदर है उसको सिंपली हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे। तो यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को मैं बाहर ले दूंगा, लैम्बडा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी इंटू यू ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और टी के ही वेरिएबल्स है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को मैं अल्फ़ा से रिप्लेस कर दूंगा, तो 2 लैम्बडा अल्फ़ा दैट इज यू ऑफ एक्स, बट अल्फा क्या रिप्लेस किया, अल्फा इज इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टाइम्स यू ऑफ टी डी टी, जैसा कंप्यूटेशन मेथड में करते थे डायरेक्ट मेथड में, सेम यहाँ करना है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारे पास बन गया है, अब यहाँ पे यू ऑफ टी की जरूरत है, बट हमारे पास यू ऑफ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ को टी से रिप्लेस कर देंगे, हमें मिल जाएगा यू ऑफ टी। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टाइम्स यू ऑफ टी दैट इज 2 लैम्बडा अल्फा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं, तो 2 लैम्बडा अल्फा ही बनेगा डी टी। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो भी है बाहर निकालता हूँ, 2 है, लैम्बडा है, अल्फा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ देखो डेट इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अल्फा, इंटीग्रेशन करना है, जिसका आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, हमें मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्फा चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें लैम्बडा की चॉइस मिल जाएगी, ये कैंसिल हो गया, लैम्बडा की चॉइस सिंपली मिल जाएगी 1, ठीक है। और मैंने आपको बताया जैसे हम इसको बनाते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2, ये जो है लैम्बडा है इसे हम कहते हैं लैम्बडा इज आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यू है किसके लिए है, फॉर कर्नल, फॉर कर्नल के लिए लैम्बडा हमारा बन जाएगा आइजन वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बार लैम्बडा मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इस लैम्बडा के कॉरस्पॉन्डिंग में हम फाइंड करेंगे आइजन फंक्शन। तो क्या फाइंड करेंगे, आइजन फंक्शन, ठीक है। अब आइजन फंक्शन फाइंड करना है तो बेसिकली क्या करना है, जो भी आपका लैम्बडा इक्वल्स टू 1 2 आया, इसको हम रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो स्टार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़
अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा से हमारे पास इक्वेशन है, इसमें लैम्डा की वैल्यू चॉइस पुट कर देंगे, दैट इज अल्फा वन इंटू अल्फा। सो अल्फा इक्वल टू अल्फा है, मतलब क्या अल्फा की वैल्यू क्या है, कोई भी एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अब अल्फा की वैल्यू पता चल गई जो कि अल्फा है, लैम्डा की चॉइस पता चल गई जो कि वन है, अब दोनों हमारे पास है, इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा सोल्यूशन, दैट इज यू ऑफ एक्स इक्वल टू टू टाइम्स लैम्डा, लैम्डा इज वन, वन इंटू अल्फा। तो आप देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट अल्फा डालोगे इसके लिए वो सोल्यूशन बनने वाला है, इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए वो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये हमारे पास सोल्यूशन है वेयर अल्फा इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।